गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग, चैप्टर 6। डियर स्टूडेंट्स, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द लेसन आई विल शो यू फ्यू थिंग्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हेयर समथिंग फ्रंट ऑफ यू। हेयर इज अ एलिफेंट, मोबाइल, and this is fish, candle. Okay, this mobile belongs to Ria. This elephant belongs to Dipansu, and this toy belongs to Aparna. You know students, what is meaning of belongs? Belongs means the things by someone. I'm saying that this is Ria's mobile. It means the mobile belongs to Ria. I'm saying this Dipansu's elephant. मैंने कहा ये दीपांशु का एलिफेंट है। इट मीन्स द एलिफेंट बिलोंग्स टू दीपांशु। ये दीपांशु से संबंध रखता है। मीन्स बिलोंग्स मीन्स होता है किसी से संबंध रखना। ये दीपांशु का है। मैंने कहा आई एम सेइंग दिस दीपांशुज एलिफेंट। दीपांशुज एलिफेंट एपोस्ट्रॉफी एस, नेम के बाद क्या है? एपोस्ट्रॉफी एस। मैंने कहा दीपांशु एलिफेंट, दीपांशुज एलिफेंट। इट मीन्स The elephant belongs to Dipansu. Same as I'm saying this, this is Aparna's fish. Aparna ke baad s apostrophe s aa raha. It means the fish belongs to Aparna. So let start this chapter, naming words for belonging, chapter 6. I had teach you naming words in previous chapter. Noun, a noun is the name of a person, place, animals or things, is called naming words or noun. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं या नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? उसके बाद क्या आता है? एपोस्ट्रॉफी एस। इट मीन्स का या की। लेट्स गेट स्टार्टेड, रीड दिस सेंटेंसेस। मैरी इज अ लिटिल गर्ल, सी हैज अ लैम्प। मैरीज लैम्प इज नॉटी, एपोस्ट्रॉफी एस। मैरी के बाद क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस। इट मीन्स मैरी का क्या की। इफ इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का या की। मीन्स ये संबंध बताता है किसी का, कि किसी का सामान है या नहीं है। ही लाइक्स टू गो टू स्कूल विथ हर। द लैम्स वूल इज वाइट। मैरी लव्स हर लिटिल लैम। मीन्स मैरी इज अ लिटिल गर्ल, मैरी छोटी लड़की है। उसके पास क्या है? एक लैम्प है। मीन्स शिप का, भेड़ का बच्चा है। मैरीज लैम्प इज नॉटी, और जो मैरी का लैम्प है वो बहुत ही शरारती है। ही लाइक्स टू गो टू स्कूल विद हर, उसके साथ कहाँ जाती है? स्कूल जाता है। लैम्प्स का जो ऊन होता है वो वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का होता है, और उसे मैरी बहुत प्यार करती है। मैरीज लैम्प, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का या की। मैरीज लैम्प मीन्स डैट द लैम्प बिलोंग्स टू मैरी। लैम्प्स उल मीन्स डैट द उल बिलोंग्स टू द लैम्प। मीन्स मैरी का लैम्प बिलोंग करता है कि मैरी का है, और लैम्प्स उल मीन्स ये लैम्प से बिलोंग करता है, मीन्स उससे संबंध रखता है। व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद द नेमिंग वर्ड। इट मीन्स जो नेमिंग वर्ड मीन्स नाम के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है तो उससे किसी न किसी का संबंध बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैरीज लैम्प
means Mary ka lamb means ship ka baby. Lamb's wool, lamb ka un. John's bag, John ka bag. Amit's boots, Amit ka boot. It means kaya ki so karta apostrophe s means sambandh batata hai. Add apostrophe to you these words and write them down. Exercise A. ELEPHANTLE fant. Elephant में आपको बस apostrophe सारी spellings में apostrophe s add करना है. Means elephant, यहाँ पे elephants क्या हो जाएगा apostrophe s means elephant का. देखिए एलिफेंट में एंट की भी स्पेलिंग हाइड है. ए एन टी एंट मीन्स सी टी. ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. डी ओ जी डॉग. डी ओ जी अपोस्ट्रॉफी एस. डॉग्स मीन्स डॉग मीन्स कुत्ता और डॉग्स मीन्स कुत्ता का. जी आई आर एल गर्ल. गर्ल मीन्स लड़की एंड जी आई आर एल अपोस्ट्रॉफी एस. गर्ल्स मीन्स लड़की का. टी आई जी ई आर टाइगर. टाइगर मीन्स चीता एंड टी आई जी ई आर अपोस्ट्रॉफी एस. टाइगर चीते का. वुड कटर डब्ल्यू डबल ओ डी सी यू डबल टी ई आर. वुड कटर मीन्स लकड़ी काटना, लकड़ी जो काटा जाता है. वुड कटर्स लकड़ी काटने का. वुड कटर मीन्स लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है उसे क्या बोलते हैं. वुड कटर. वुड कटर्स मीन्स लकड़हारे का. बी ओ वाई बॉय. बी ओ वाई अपोस्ट्रॉफी एस. बॉय मीन्स बॉय लड़के का. बर्ड. बर्ड मीन्स पक्षी. बी आई आर डी अपोस्ट्रॉफी एस. बर्ड्स मीन्स पक्षी का. एम ए एन मैन. एम ए एन अपोस्ट्रॉफी एस. मैन का मीन्स आदमी का. टी ई डबल डी वाई टैडी. बी ई ए आर बियर. टैडी बियर. देखिए बियर में भी ईयर आ रहा है. इट मीन्स टू स्पेलिंग. बियर मीन्स भालू एंड ईयर मीन्स कान. टैडी बियर. टी डबल डी वाई टैडी. बी ई ए आर बियर अपोस्ट्रॉफी एस. टैडी बियर का. पी ई ए सी ओ सी के. पी कॉक. पिकॉक मीन्स मोर एंड पिकॉक्स मोर का. डॉक्टर. डॉक्टर्स अपोस्ट्रॉफी डॉक्टर का. ग्रैंड फादर. ग्रैंड फादर्स. ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी का. आई रिपीट अगेन. एलिफेंट एलिफेंट्स. डॉग डॉग्स. गर्ल गर्ल्स. टाइगर टाइगर्स. वुड कटर वुड कटर्स. बॉय बॉयज. बर्ड बर्ड्स. मैन मैंस. टैडी बियर टैडी बियर्स. पीकॉक पी कॉक्स. डॉक्टर डॉक्टर्स. ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर्स मीन्स अपोस्ट्रॉफी लगा के आपको बस ऐड करना है स्पेलिंग में. डियर स्टूडेंट्स राइट दिस डिफिनेशन ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस. आपको ये राइट करना है कि व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवंस वी यूज अपोस्ट्रॉफी एस विद द नेमिंग वर्ड्स. आपको कॉपी में फर्स्ट सबसे पहले चैप्टर नेम राइट मेंशन करना है. नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग चैप्टर 6. आफ्टर दैट राइट दिस. आपको ये राइट करके यहाँ एग्जाम्पल तक राइट करना है एंड देन आपको एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी बुक एंड कॉपी दोनों में कंप्लीट करना है. जहाँ पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट होगा आप लोग डाउट्स क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा. ओके थैंक यू. द डॉग्स टेल मीन्स कुत्ते की पूछ. डी ओ जी अपोस्ट्रॉफी एस टी ए आई एल टेल मीन्स डॉग्स टेल. अगर हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस को अगर हम ऐसे हाइड करते तो क्या हो. डॉग टेल कुत्ता पूछ. कोई सेंटेंस बन रहा है. नो इस मीन इट मीन्स कुत्ते की पूछ. संबंध बनाने के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है.
means the dog's tail. The man's laughter, आदमी हंस रहा है. आदमी की हंसी means man's laughter. The girl's frock, what is this? This is frock, and frock किसकी है? Girl's की है, means girl की है. GIRL apostrophe SFROCK, frock. देखिए frock में rock की spelling आ रही है. ROCK rock means पत्थर. इट मीन्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कंपोनेंट कि आपको एक के साथ टू टू स्पेलिंग लर्न हो जाए. तो गर्ल्स फ्रॉक, लड़के की फ्रॉक. ग्रैंडफादर्स कैरेट्स, ये किसकी कैरेट है? गाजर. ग्रैंडफादर की है तो ग्रैंडफादर्स कैरेट. गाजर किसकी है सारी? ग्रैंडफादर की है. ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी. द टाइगर्स रोर, शेर क्या, चीता क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है. तो TIGERS apostrophe SROAR, द टाइगर्स रोर. द बर्ड्स विंग्स, पक्षी के पंख. द बर्ड्स विंग्स. द पिकॉक्स फैदर्स, द पिकॉक्स फैदर, मोर के पर. PEACOCK apostrophe S, मोर के फैदर्स, पंख. द टैडी वियर्स बैलून्स, द टैडी वियर्स बैलून. टैडी वियर किसके हैं? बैलून्स किसके हैं? टैडी वियर के. तो टैडी वियर्स बैलून्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू मेड इन एक्सरसाइज ए. अब यहाँ पे एक्सरसाइज ए से न्यू वर्ड्स यहाँ पे मेक करने हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट. Boy, X means the, क्या है? Boy the boy's bag. Boy के पास क्या है? Bag है. तो लड़के का bag means the boy's apostrophe BOY, boy apostrophe S BAG bag, the boy's bag मतलब लड़के का बैग. अगर यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं तो लड़का बैग हो जाएगा ना. अपोस्ट्रॉफी लगा दिया मीन्स इससे संबंध बता रहा है कि बैग किसका है? लड़के का है. द वुड कटर्स एक्स, लकड़हारे की कुल्हाड़ी. एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी किसकी है? लकड़हारे की है. इट मीन्स संबंध बता रहा है ना कि कुल्हाड़ी किसकी है. अगर हम एस हटा देंगे तो लकड़हारा एक्स हो जाएगा मीन्स कुल्हाड़ी. कोई मीनिंग नहीं बन रही है. तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. द वुड कटर्स एक्स, लकड़हारे की कुल्हाड़ी.